आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। सीतामढ़ी बिहार राज्य का जिला और बहुत ही सम्मानीय और प्रतिष्ठित जिला है। आप इसे दुनिया के पवित्र स्थानों में से एक भी कह सकते हैं। सीतामढ़ी जिला भारत के इतिहास के सबसे खूबसूरत पन्नों में इसका उल्लेख मिल जाएगा। इस धरती ने भगवान राम की पत्नी को अपने गोद में सुलाया है। इस धरती की पवित्रता महसूस करेंगे तो यहाँ आपको माँ सीता के होने का एहसास हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास है और आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सीतामढ़ी का स्थान हिंदू धर्मशास्त्रों में अन्यतम है। सीतामढ़ी पौराणिक आख्यानों में त्रेता युगीन शहर के रूप में वर्णित है। त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री तथा भगवान राम की पत्नी देवी सीता का जन्म पुनौरा में हुआ था। पौराणिक मान्यता के अनुसार मिथिला एक बार दुर्भिक्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जहां पुरोहितों और पंडितों ने मिथिला के राजा जनक को अपने क्षेत्र की सीमा में हल चलाने की सलाह दी थी। कहते हैं कि सीतामढ़ी के पुनौरा नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेत में हल जोता था तो उस समय धरती ने सीता का जन्म दिया था। सीता जी के जन्म के कारण इस नगर का नाम पहले सीतामढ़ी, फिर सीतामही और कालांतर में सीतामढ़ी पड़ा। ऐसी जनश्रुति है कि सीता जी के प्रकाट स्थल पर उनके विवाह पश्चात राजा जनक ने भगवान राम और जानकी की प्रतिमा लगवाई थी। यह स्थान आज जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में सीतामढ़ी तिरहुत का अंग रहा है। इस क्षेत्र में मुस्लिम शासन आरंभ होने तक मिथिला के शासकों के कर्नाट वंश ने यहाँ शासन किया था। बाद में भी स्थानीय क्षत्रपों ने यहाँ अपनी प्रभुता कायम रखी, लेकिन अंग्रेज़ों के आने पर यह पहले बंगाल फिर बिहार प्रांत का अंग बन गया। 1908 ईस्वी में तिरहुत मुजफ्फरपुर जिला का हिस्सा रहा। स्वतंत्रता पश्चात 11 दिसंबर 1972 को सीतामढ़ी को स्वतंत्र जिला का दर्जा दिया गया, जिसका मुख्यालय सीतामढ़ी को बनाया गया। अगर सीतामढ़ी में घूमने की बात की जाए तो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर जानकी स्थान मंदिर है। यह जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं। यह सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर अवस्थित है। जानकी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध यह पूजा स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। जानकी स्थान के महंत के प्रथम पूर्वज विरक्त महात्मा और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने बृहद विष्णु पुराण के वर्णानुसार जनकपुर नेपाल से मापकर वर्तमान जानकी स्थान वाली जगह को ही राजा जनक की हल कर्षण भूमि बताई है। पीछे उन्होंने उसी पावन स्थान पर एक वृक्ष के नीचे लक्ष्मणा नदी के तट पर तपश्चर्या के हेतु अपना आसन लगाया था। पश्चात काल में भक्तों ने वहां एक मठ का निर्माण किया, जो गुरु परंपरा के अनुसार उस काल के क्रमागत शिष्यों के अधीन आघ्रेपथ चला आ रहा है। यह सीतामढ़ी का मुख्य पर्यटन स्थल है। वहीं बाबा परिहार ठाकुर सीतामढ़ी जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर प्रखंड परिहार में परिहार दक्षिणी में स्थित है बाबा परिहार ठाकुर का मंदिर। यहाँ की मान्यता है कि जो भी बाबा परिहार ठाकुर के मंदिर में आता है वह खाली हाथ वापस नहीं लौटता। उर्बिजा कुंड सीतामढ़ी नगर के पश्चिमी छोर पर उर्बिजा कुंड है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थल हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए अति पवित्र है। ऐसा कहा जाता है कि उक्त कुंड के जीर्णोद्वार के समय आज से लगभग 200 साल पूर्व उसके अंदर उर्बिजा सीता की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसकी स्थापना जानकी स्थान के मंदिर में की गई। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान जानकी स्थान के मंदिर में स्थापित जानकी जी की मूर्ति वही है जो कुंड की खुदाई के समय उसके अंदर से निकली थी। पुनौरा और जानकी कुंड यह स्थान पौराणिक काल में पुंडरीक ऋषि के आश्रम में विख्यात है। कुछ लोगों का यह भी मत है कि सीतामढ़ी से लगभग 4 किलोमीटर पश्चिम स्थित पुनौरा में ही देवी सीता का जन्म हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए अपने हाथों से यहाँ हल चलाया था। इसी दौरान एक मुद्रापात्र में देवी सीता बालिका के रूप में उन्हें मिली। मंदिर के अलावे यहाँ पवित्र कुंड है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं, जिसमें हालेश्वर स्थान है, पंथ पाकड़ है, बगही मठ, देवकुली, गोरौल शरीफ, जनकपुर।
उसके अलावा अगर अन्य प्रमुख स्थलों की बात किया जाए तो सुकेश्वर स्थान, सभागाछी, ससौला, वैष्णो देवी मंदिर। वहीं सीता की जन्मस्थली और मिथिला संस्कृति के प्रभाव के कारण सीतामढ़ी और इसके आसपास ज़्यादातर भोजन में शाकाहारी ही पसंद किया जाता है, लेकिन मांस मछली भी स्वीकार्य है। भोजन में मुख्य रूप से दाल भात रोटी सब्जी अचार पापड़ पसंद किया जाता है। यहाँ बिहारी भोजन सत्तू के प्रचलन के रूप में यहाँ लिट्टी चोखा का भी बहुत महत्व है। यहाँ के लोग बहुत धार्मिक होते हैं। अगर सीतामढ़ी के लोक संस्कृति की बात की जाए तो सीतामढ़ी की माटी में तिरहुत और मिथिला क्षेत्र की संस्कृति की गंध है। इस भूभाग को देवी सीता की जन्मस्थली तथा विदेहराज का अंग होने का गौरव प्राप्त है। लगभग 2500 साल पूर्व महाजनपद का विकास होने पर यह वैशाली को गौरवपूर्ण बज्जी संघ का हिस्सा रहा। लोग बज्जिका में बात करते हैं, लेकिन मधुबनी से सटे क्षेत्रों में मुस्लिम परिवारों में उर्दू में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती है, किंतु सरकारी नौकरियों में प्रधानता न मिलने के कारण अधिकांश लोग हिंदी या अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम मानते हैं। हिंदू प्रधान समाज होने के कारण यहाँ जाति परंपराएं प्रचलन में हैं। अधिकांश शादियाँ माता पिता द्वारा अपनी जाति में ही तय किए जाते हैं। मुस्लिम समाज में भी शादी तय करने के समय जाति भेद का ख्याल रखा जाता है। वहीं लोक कलाएं, शादी विवाह या अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर वैदेही सीता के भगवान श्री राम से विवाह के समय गाए गए गीत अब भी यहाँ बड़े ही रसपूर्ण अंदाज में गाए जाते हैं। यहाँ कई गीतों में आने वाली बाढ़ की विभीषिका को भी गाकर हल्का किया जाता है। जट जटनी तथा झिझिया सीतामढ़ी जिले का महत्वपूर्ण लोक नृत्य और जनजटिन नृत्य राजस्थान के झूमर के समान है। झिझिया में औरतें अपने सिर पर घड़ा रखकर नाचती हैं और अक्सर नवरात्र के दिनों में खेला जाता है। कलात्मक डिजाइन वाली लाख की चूड़ियों के लिए सीतामढ़ी शहर की अच्छी प्रसिद्धि है। श्री रामचरितमानस के बालकंड में ऐसा उल्लेख है कि राजकुमारों के बड़े होने पर आश्रम की राक्षसों से रक्षा हेतु ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर अपने साथ ले गए थे। राम ने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों को मार डाला और मारिच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र के पार भेज दिया। उधर लक्ष्मण ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। धनुष यज्ञ हेतु राजा जनक के निमंत्रण मिलने पर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ उनकी नगरी मिथिला यानी जनकपुर आ गए। रास्ते में राम ने गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। यह स्थान सीतामढ़ी से 40 किलोमीटर अहिल्या स्थान के नाम पर स्थित है। मिथिला में राजा जनक की पुत्री सीता, जिन्हें की जानकी के नाम से भी जाना जाता है, उनका स्वयंवर का भी आयोजन था, जहाँ की जनक प्रतिज्ञा के अनुसार शिव धनुष को तोड़कर राम ने सीता से विवाह किया था। राम और सीता के विवाह के साथ ही गुरु वशिष्ठ ने भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का ऋतुकृति से करवा दिया था। राम सीता के विवाह के उपलक्ष्य में अगहन विवाह पंचमी को सीतामढ़ी में प्रतिवर्ष सोनपुर के बाद एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसी प्रकार जामाता राम के सम्मान में भी यहाँ चैत्र रामनवमी को बड़ा पशु मेला लगता है। सीतामढ़ी का एक नहीं बल्कि कई मायनों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है और यह धरती इतनी पावन है कि यहाँ रहने वाले लोगों का अपना एक अलग धर्म के प्रति लगाव है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।